हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 3 डेज वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, दैट इज योर 29th, 30th एंड 31st ऑफ अगस्त। ठीक है, और ये अगस्त का आपका लास्ट लेक्चर सीरीज होगा और उसके बाद हो सकता है, चांसेस हैं कि इसे डिसकंटिन्यू किया जाए, क्योंकि रिविजन सीरीज पर फोकस किया जाना जरूरी होगा लास्ट 1 मंथ में। और इसमें हम लोग जो मैपिंग सीरीज है उसको कवर करेंगे, साथ ही साथ जो हमारे रिमेनिंग पोर्शंस रिवीजन वाले बच गए होंगे उसे कवर करेंगे। अगर टाइम परमिट करेगा तो करंट अफेयर्स वाली वीडियोस डेली डाले जाएंगे, लेकिन अगर टाइम नहीं मिल पाएगी तो कहीं ना कहीं हमें इसे 1 मंथ के लिए स्किप करना पड़ेगा, क्योंकि रिविजन सीरीज काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होंगी। ठीक है, सो ये अभी आपका ट्रायल स्टेज में है, बट डिसीजन लिया जाएगा, देखते हैं क्या होता है। लेकिन आज आपका ये 31 अगस्त वाला लेक्चर सीरीज डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले आपको भी पता है हम लोग मैप डिस्कस करते हैं, और मैप में आज आपको साउथ ईस्ट एशिया के बारे में जानने को मिलेगा। साउथ ईस्ट एशिया, सबसे पहले मैप को देखते हैं। ये देख लो आप मैप जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये मैंने एक बार और आपको दिखाई थी। ये हमने एशिया को डिमार्केट किया था, नॉर्थ एशिया, ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, यूरोप। यूरोप आपका एशिया में नहीं है, आपको भी पता है यूरोप इज द अनदर कॉन्टिनेंट, लेकिन हमें एशिया पर फोकस करना है। एशिया पर आज हमें किस पर फोकस करना है? साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया में आप देखो, ये जो आपके म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, ये सब जो देश है इंक्लूडिंग सिंगापुर, ये सब आपके साउथ ईस्ट एशिया में आ जाते हैं। आपने आसियान का भी नाम सुना होगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये बेसिकली इन्हीं कंट्रीज का ग्रुपिंग है। ठीक है, और इंडिया आपको भी पता होगा कि आसियान का मेंबर नहीं होगा, क्योंकि इंडिया आपका साउथ ईस्ट एशिया में नहीं आता है, इंडिया साउथ एशिया में आता है, हेंस ये आपका सार्क का मेंबर है। ठीक है, तो ये आप यहां से ब्रॉडर मैप देख लो साउथ ईस्ट एशिया का, ये है आपका। और अब हम रीजनल मैप में जाएंगे और देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स वहां से पिकअप करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम रीजनल मैप पर जाते हैं। यहां आप देख सकते हो साउथ ईस्ट एशिया के रीजनल मैप है, और जो आपका साउथ ईस्ट एशिया है इसको हम दो भाग में डिमार्केट कर सकते हैं। पहला तो है आपका जो मेनलैंड साउथ ईस्ट एशिया होगा, जहां पर हम लोग हाईलाइट करेंगे वो आपका मेनलैंड साउथ ईस्ट एशिया है। यहां पर आप देख सकते हो, यहां से हम लोग शुरू कर रहे हैं, आई एम टेकिंग रेड कलर, तो आप देख लो ध्यान से, यहां से म्यांमार से हम लोग शुरू कर रहे हैं, और म्यांमार के बाद हम लोग लाओस, फिर आप देख सकते हो वियतनाम वाला पोर्शन को कवर किए, और अल्टीमेटली ये आपका थाईलैंड हो गया, और जो आपका मलेशिया है, और उसके बाद आप देख सकते हो ये आपका मेनलैंड साउथ ईस्ट एशिया है। उसके बाद देख लो आइलैंड वाले पोर्शन, जिसमें इंडोनेशिया है, आपका जो मलेशिया है, ठीक है, ये आपका आइलैंड वाला पोर्शन हो गया, फिलीपींस भी आपका आइलैंड वाला पोर्शन हो गया। ठीक है, और यहाँ आज हमें डिस्कस करना है कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज और जो कैपिटल्स की क्रोनोलॉजी होगी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है यहाँ पर, कि जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन है इसमें सिर्फ लाओस को छोड़ दिया जाए। ठीक है, ये आप देख सकते हो लाओस का पोर्शन। ठीक है, अगर लाओस को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे जो नेशन है वो आपके किसी न किसी जो मार्जिनल वाटर बॉडीज है, सीज है, उससे बॉर्डर करते ही करते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल म्यांमार इंडियन ओशन से बॉर्डर करता है। ठीक है, आपका वियतनाम जो साउथ चाइना सी है उससे बॉर्डर करता है। ठीक है, मलेशिया आप देख लो जो आपका कन्फ्लुएंस है इंडियन और पैसिफिक का, उससे बॉर्डर करता है। तो कहने का मतलब यह है कि लाओस इज द ओनली साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो आपका लैंड लॉक्ड है। ठीक है, बाकी सब किसी ना किसी कोस्टल रीजन से टच करते हैं। ठीक है, तो यह पहली बात हो गई। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहां हमें इनके कैप्टर्स के अलाइनमेंट को समझना होगा, नॉर्थ टू साउथ। तो कंट्रीज की बात कर लेते हैं, सबसे पहले फिलीपींस देख लो, इंडोनेशिया देख लो, ईस्ट तैमूर यहां पर है छोटा सा छुपा हुआ। ठीक है, मलेशिया है, थाईलैंड है, म्यांमार है, लाओस है, वियतनाम है। ठीक है, और ये सब आपके साउथ ईस्ट एशियन नेशन हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं इनके अलाइनमेंट की। अलाइनमेंट की जब हम बात करते थे, यहाँ पर आपको कैपिटल की अलाइनमेंट ही जाननी होगी। बस आप यहाँ ध्यान से देखो, जूम कर रहा हूं, म्यांमार का कैपिटल पर फोकस ना करें। सबसे पहले पहले बात आपको ये नॉर्थ साउथ अलाइनमेंट की तरफ हमें जानी पड़ेगी। आप देख लो, ये जो आपका है नेशन, सबसे नॉर्थ में किसका कैपिटल आ रहा है? वियतनाम का, है ना, ये आपका पूरा वियतनाम है, और वियतनाम का कैपिटल आप देख रहे हैं हनोई है। ठीक है, तो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट आपका हनोई आ रहा है। दूसरे तरफ आप देख लो, उसके साउथ में जाए तो आपका म्यांमार का कैपिटल नया पियदाओ ये आ रहा है। ठीक है, नया पियदाओ ये आपका म्यांमार का कैपिटल आ रहा है। फिर उससे साउथ में जाओ तो आपका लाओस का कैपिटल, दैट इज योर वियनशान, ये आ रहा है। ठीक है, वियनशान इज द कैपिटल ऑफ लाओस, नॉट द वियतनाम। ठीक है, उसके साउथ में चले तो आपका
बैंकॉक आ रहा है, उसके साथ में चले तो कंबोडिया का कैप्टन जो आपका फिनोम पेन है वो आ रहा है, ठीक है। तो इतना तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। ये मेनलैंड साउथ ईस्ट एशिया का कैपिटल अलाइनमेंट है, ये आपको याद रखना है। तो अगर हम साउथ से नॉर्थ की तरफ चले या नॉर्थ से ही साउथ की तरफ चलते हैं, तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा हनोई, जो कि आपका वियतनाम का कैपिटल है। उसके बाद आपको मिल जाएगा नया पियादो, जो कि आपका म्यांमार का कैपिटल है। उसके बाद आपको मिल जाएगा वियनसान, जो कि आपका लाओस का कैपिटल है। उसके बाद आपको मिलेगा बैंकॉक, जो कि आपका थाईलैंड का कैपिटल है। उसके बाद आपको मिलेगा फिनोम पेन, जो कि आपका कंबोडिया का कैपिटल है, ठीक है। उसके बाद आपका आइलैंड नेशन शुरू हो जाते हैं, और आइलैंड नेशन में आपको क्रोनोलॉजी वैसे आप पता लगा लोगे, लेकिन आप देख सकते हो मलेशिया का कैपिटल कुआलालंपुर है, और फिर आप इंडोनेशिया का कैपिटल देख लो, जकार्ता है यहाँ पर। तो जकार्ता आप देख सकते हो, ये आपका इंडोनेशिया का कैपिटल है, ठीक है। तो ये हमने कुछ डिस्कस किया जो कैपिटल अलाइनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। और थाईलैंड किस किस नेशन से बॉर्डर कर रहा है, एक बार आप यहाँ ऑब्जर्व करो, ठीक है। थाईलैंड को हाईलाइट कर रहे हैं यहाँ पर, और आप थाईलैंड को देखो, ये आपका मलेशिया से बॉर्डर कर रहा है, म्यांमार से बॉर्डर कर रहा है, लाओस से, और आपका कंबोडिया से। तो कहने का मतलब ये जो थाईलैंड है किससे बॉर्डर नहीं कर रहा है, वियतनाम से बॉर्डर नहीं कर रहा है ना। आप ध्यान से देखो, वियतनाम से बॉर्डर नहीं कर रहा है और चाइना से बॉर्डर नहीं कर रहा है, ठीक है। ये दो बात याद रखनी है, थाईलैंड आपका चाइना एंड वियतनाम से बॉर्डर नहीं कर रहा है, बाकी आपका मलेशिया से कर रहा है, और इंडोनेशिया से तो बिल्कुल नहीं कर रहा है, क्योंकि इंडोनेशिया आपका आइलैंड कंट्री में आ गया है, और फिलीपींस तो आपका सेपरेट पोर्शन है ना। और ये जो आप रेंज देख रहे हो, बेसिकली ये जो आप रेंज देख रहे हो, ये ब्लैक कलर से हाईलाइट करते हैं, ये जो आप रेंज देख रहे हो, ये और कुछ नहीं बल्कि साउथ चाइना सी है। और यहीं पर आपका साउथ चाइना डिस्प्यूट देखने को मिलता है बिटवीन चाइना एंड जो आपके साउथ ईस्ट एशियन नेशन है। और उसके बाद 9 डैश लाइन से रिलेटेड न्यूज भी रहती है, जो चाइना क्लेम करता है, ठीक है। ये भी आपका साउथ ईस्ट एशिया से ही रिलेटेड है, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड, नतुना आइलैंड, ये सब आपका आपको यहीं पे देखने को मिलेंगे। वी विल कवर इन द करेंट अफेयर सीरीज, अगर टाइम परमिट करता है तो। सबसे पहले तो नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में हम लोग स्ट्रेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ये यानी कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स जो न्यूज में रहे हैं उसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। क्या हमने सीखा? थाईलैंड का बॉर्डरिंग नेशन सीखा, और लाओस ओनली लैंड लॉक कंट्री है ये देखा, कैपिटल की अलाइनमेंट देखी। तो सबसे पहले आपका हनोई, उसके बाद आपका म्यांमार का कैपिटल नया पेदो है वो, उसके बाद आपका जो लाओस का कैपिटल है दैट इज वियनसांग, है ना। उसके बाद आपका थाईलैंड का कैपिटल बैंकॉक। तो ये हमने डिस्कस किया। आप ऑक्सफोर्ड जो भी आपकी मैप्स होंगी आप ओपन करो और फिर से हाईलाइट करो, आपकी और ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सो वी हैव डिस्कस इट एंड लेट्स मूव टू आवर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो करंट अफेयर्स वाली है। पहली न्यूज बेसिकली आपकी 15 फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन से जुड़े जो ग्रांट्स देने थे पंचायत को फॉर वाटर एंड सैनिटेशन, उन्होंने रिकमेंड कर दिए। आपको भी पता है फाइनेंस कमीशन का एक वर्क ये भी रहता है कि वो ग्रांट भी रिकमेंड करे कि जो लोकल बॉडीज को ग्रांट देने हैं वो कितने देने हैं। तो ये आपका रिकमेंड कर दिया गया है। जो आपका ग्रांट पीरियड है वो आपका 2021 से लेकर 2026 तक के लिए रिकमेंड करी गई है। तो देख लो, ओवरऑल जो ग्रांट रिकमेंड करी गई है, देख सकते हो 2,36,805 करोड़ की फॉर रूरल लोकल बॉडीज एंड पंचायत 28 स्टेट्स के लिए। और इसमें वो एरियाज भी आ जाते हैं जो फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल वाले एरियाज हैं। एंड अगर हम बात करें जो टोटल ग्रांट एलोकेट करने की बात कही गई है, इसमें 60% याद रखना, यानी कि ये जो आपका ये 2,36,805 करोड़ का जो ग्रांट है, इसके दो कंपोनेंट होंगे, 60:40 वाले में कर दो, तो जो 60% जो शेयर है वो आपका टाइड ग्रांट है। यानी कि टाइड ग्रांट कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो ग्रांट होंगे 60% वाले, वो पार्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए दिया जाएगा, और जो 40% होंगे जस्ट दैट इज फॉर योर 94,721 करोड़ रुपीज, ये अनटाइड होंगे, यानी कि इट कैन बी यूटिलाइज एट द डिस्क्रिशन ऑफ पंचायत फॉर इंप्रूविंग द बेसिक सर्विसेज, है ना। तो देख सकते हो जो टाइड ग्रांट है तो कौन से सर्विसेज के लिए ये यूटिलाइज किए जाएंगे। तो पहली बात तो सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटर रिसाइकलिंग, इन सब पर आपका टाइड ग्रांट खर्च किया जाएगा। दूसरा आपका सैनिटेशन के लिए मेंटेनेंस ऑफ ओपन डिफेक्शन फ्री स्टेटस, इसके लिए आपका टाइड ग्रांट खर्च किया जाएगा, है ना। इसमें आपका मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ हाउस होल्ड वॉस्ट हो गया, ह्यूमन एक्सक्रीटा हो गया, फेशियल स्लर्स मैनेजमेंट हो गया, है ना, ये सब आ जाएंगे। तो क्या आपका टाइड ग्रांट है? सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये सब। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है कि जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन है, विच कम्स अंडर जल शक्ति मिनिस्ट्री, ये आपका नोडल डिपार्टमेंट होगा जो डिटरमाइन करेगा एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया क्या हो रूरल लोकल बॉडीज के लिए
फॉर गेटिंग द ग्रांट दैट हैज बीन रिकमेंडेड बाय द 15th फाइनेंस कमीशन, और वो भी आपका क्या टाइट ग्रांट, ठीक है, और ये रिकमेंड करेंगी रिलीज ऑफ टाइट ग्रांट टू द फाइनेंस मिनिस्ट्री, है ना। एंड सिग्निफिकेंस ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन टाइट ग्रांट, क्या सिग्निफिकेंस है, तो सबसे पहली बात तो ये आपका वाटर बोर्ड डिजीज जो आपका फ्लडिंग के दौरान या फिर जो आपका एक्सेसिव रेनफॉल के दौरान होता है वो सब खर्चे किए जाएंगे, सो दैट ऐसी जो वाटर बोर्न डिजीज है वो कम की जा सके, हेल्थ कंडीशंस को बेटर करने के लिए ड्रॉप आउट जो स्कूल्स में होते हैं वो भी कम किए जाएंगे, साथ ही साथ ड्रजरी को भी रिड्यूस किया जाएगा। फाइनेंस कमीशन की बात करें तो सबसे पहली बात तो ये कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, अंडर आर्टिकल 280 के तहत इसको क्रिएट किया गया है, और एवरी 5 ईयर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये आपका कंस्टिट्यूट करते हैं फाइनेंस कमीशन को, सो दैट जो टैक्स रेवेन्यूज आते हैं कलेक्ट होकर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट एंड एमंग द स्टेट। तो दो कंपोनेंट होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के, एक तो आपका सेंटर और स्टेट के बीच डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, जिसको हॉरिजॉन्टल कह रहे हो, यानी कि और उसके बाद स्टेट के बीच भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, और देयर इज अ सर्टेन क्राइटेरिया हमने देखा है, इनकम डिस्टेंस होता है, पॉपुलेशन होता है, आपका फॉरेस्ट एरिया अभी एड की गई है, एज वेल एज जो आपका टैक्स एफर्ट्स ये भी है ना, तो ये सब कुल मिला के 100% पैरामीटर्स बनते हैं, तो ये आप पैरामीटर्स याद रखना है आपको, ठीक है, पैरामीटर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाईएस्ट शेयर आपका जो आपका इनकम डिस्टेंस है उसको दिया गया है एज ए पैरामीटर, और सबसे लोवेस्ट शेयर आपका टैक्स एफर्ट है 2.5% आई थिंक। एंड 15th फाइनेंस कमीशन के तहत ये मैंडेट भी है कि वो रिकमेंड करे मेजर्स विच इज नीडेड टू ऑगमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, कि कैसे जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स है उनके पैसे और ज्यादा बढ़ाए जाए, कहने का मतलब ये कि उनकी जो पैसे हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स में आने की कैसे उसको फैसिलिटेट किया जाए फॉर सप्लीमेंट द रिसोर्सेज ऑफ पंचायत म्युनिसिपैलिटीज ड्यूरिंग द पीरियड 2020-25। तो ये हमने फाइनेंस कमीशन और उसके रिकमेंडेशन डिस्कस किया, टाइट ग्रांट्स और अनटाइट ग्रांट्स हमने देखे, ठीक है। नेक्स्ट वी मूव टू द चाइना नोटिफाइज न्यू रूल्स टू रेगुलेट फॉरेन शिप्स इन इट्स वाटर, तो आज ही हमने डिस्कस किया मैप सीरीज में, और देख लो फिर से न्यूज में आ गया है, एक बार मैप भी डिस्कस करेंगे यहाँ पर। सबसे पहली बात आप यहाँ पर ये देखो, ये जो आपका ये है, ठीक है, जो डिमार्केट कर रहे हैं ये आपका 9 डैश लाइन है, ठीक है, ये जो रेड रेड कलर से डॉटेड ये 9 डैश लाइन है, और चाइना इसी को पूरा ये अपने आपका क्लेम करता है। कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड यहाँ पर याद रखने आपको, स्प्रेटली आइलैंड, ठीक है, पार्सल आइलैंड, नतुना आइलैंड, ये सब आपके साउथ चाइना सी में ही आते हैं, और ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये गल्फ ऑफ टोनकिन है, ठीक है, और ये आपका फिलीपींस है, और फिलीपींस का कैपिटल क्या है, मनीला, और फिर आप देख सकते हो मलेशिया, और ये आपका मलेशिया वाला जो पोर्शन है इसमें छोटा सा कंट्री आपको ब्रुनो ही देखने को मिलेगा, ठीक है, और ये गल्फ ऑफ थाईलैंड आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, गल्फ ऑफ थाईलैंड, और गल्फ ऑफ थाईलैंड में बेसिकली मेकोंग रिवर ड्रेन करती है, ये तो आपको पता होगा, ठीक है, एंड फिर आपका छोटा सा पोर्शन यहाँ पे सिंगापुर, छोटा नेशन यहाँ मिल जाएगा। तो ये हम डिस्कस कर लिए मैप सीरीज को, और ये ताइवान ताइपे देख रहे हो ना, यहाँ पे आपको ताइवान स्टेट देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो क्या आपके इस न्यू रूल्स में है, देख सकते हैं, तो चाइना ने नोटिफाई किया है न्यू मैरिटाइम रूल्स को, जिसमें जो वेसल्स है विच इज कैरिंग रेडियो एक्टिव मटेरियल्स बल्क ऑयल केमिकल्स एंड होस्ट ऑफ अदर सप्लाई, उनको वार्न किया है, मैंडेट किया है कि वो रिपोर्ट करे अपने कार्गोज के डिटेल्स को जब वो एंट्री करते हैं इनटू देयर चाइनीज वाटर। अब बात करते हैं क्या कुछ इश्यूज है इस न्यू रूल्स के। सबसे पहली बात तो ये जो आप चाइना बोल रहा है कि चाइनीज वाटर, यही आपका डिस्प्यूटेड है, क्योंकि टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट है, चाइना तो बोलता है ये पूरा मेरा ही है, लेकिन ये जो आपके साउथ एशियन नेशन है ये तो बोलते हैं भाई साहब इसमें मेरे भी हिस्से हैं, इसमें मेरे भी हिस्से हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट है, टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट है ना, और ये बढ़ सकते हैं अगर चाइना स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करता है इन ए डिस्प्यूटेड साउथ चाइना सी एंड ताइवान स्टेट। और फिर आप देख लो फिलीपींस, वियतनाम, चाइना, ब्रुनोई, ताइवान, मलेशिया, ये डिफरेंट एंड समटाइम्स ओवरलैपिंग टेरिटोरियल क्लेम्स रखता है ओवर द साउथ चाइना सी बेस्ड ऑन वेरियस रिकॉर्डेड हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, ठीक है। तो कहने का मतलब चाइना अपना हिस्ट्री दिखाता है कि भाई साहब ये प्राचीन काल से मेरे कंट्रोल में है, फिलीपींस ये बोलता है कि भाई साहब प्राचीन काल से हो या ना हो लेकिन अभी तो मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है, ऐसा कुछ क्लेम चलते रहते हैं। फिर आप देख लो वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल रूल्स, ये दूसरा कंसर्न है, इंटरनेशनल रूल्स का वायलेशन होगा बिकॉज 2016 में चाइना ने रिजेक्ट कर लिया था अनक्लॉज के जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल रूलिंग आई थी, अनक्लॉज यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी, तो इनकी जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल रूलिंग आई थी इसको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, और इस रूलिंग में ये कहा गया था कि चाइना जो है अपना हिस्टोरिक राइट्स जो साउथ चाइना सी पर क्लेम करता है वो नहीं कर सकता है ना, और ये क्लेम क्या करता है, 9 डैश लाइन पूरा मेरा ही है, ये क्लेम करता है चाइना, ठीक है, और इसमें इसके अगेंस्ट जजमेंट आया था चाइनीज के अगेंस्ट में। एंड यूएस और यूएस के जो एलाइज है ये नेवल एक्सपेडिशन भी करते रहते हैं विच चैलेंजेस द बेजिंग्स क्लेम टू असर्ट द फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, कहने का मतलब ये है कि अगर चाइना पूरा कंट्रोल कर लेगा ये साउथ चाइना सी पर तो कहीं ना कहीं जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है
वो प्रभावित होंगी, क्योंकि इंडिया एज वेल एज अदर नेशंस ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स फ्रॉम दिस रीजन, और ऐसे में फ्रीडम अगर प्रभावित होगा तो फिर कहीं ना कहीं जो ट्रेड है वो इम्पैक्ट हो सकता है। क्या इम्पैक्ट होगा इंडिया के ऊपर, तो आप देख सकते हो ये इंपॉर्टेंट है, यही मैं आपको बात कर रहा था। 55% ऑफ इंडिया ट्रेड ये पास करती है साउथ चाइना सी से एंड मलक्का स्ट्रेट से। ऑल्सो इंडिया वेरियस एक्टिविटीज भी कंडक्ट करता है जैसे कॉपरेशन इन ऑयल एंड गैस सेक्टर विद लिटोरल स्टेट ऑफ साउथ चाइना सी। लिटोरल स्टेट ऑफ साउथ चाइना सी मतलब जो हमने आज मैप में डिस्कस किए, ठीक है। नेक्स्ट इज योर प्रधानमंत्री जनधन योजना नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन 7 ईयर्स कंप्लीट कर लिए है। तो बेसिकली आप देख लो, अगर हम बात करें बेसिक की प्रधानमंत्री जनधन योजना की, तो ये आपका 2014 में लॉन्च किया गया था। और क्या ऑब्जेक्टिव था, तो बेसिकली फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की एक्सेसिबिलिटी, फाइनेंशियल सर्विसेज की एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करी जाए अफोर्डेबल कॉस्ट पर, एज वेल एज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी करी जाए टू लोअर द कॉस्ट एंड वाइडन द रीच ऑफ द बेनिफिशियरी। और ये इनिशियली 4 ईयर्स के लिए लॉन्च किया गया था, लेकिन बाद में कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ इसको एक्सटेंड किया गया। जैसे फॉर एग्जांपल फोकस शिफ्टेड फ्रॉम एवरी हाउस होल्ड टू एवरी अनबैंक्ड एडल्ट, है ना। तो फोकस इसका एवरी हाउस होल्ड से एवरी बैंक अनबैंक्ड एडल्ट पर पहुंच गया, यानी कि पहले हाउस होल्ड पर फोकस किया जाता था कि हर हाउस होल्ड में एक बैंक अकाउंट हो, ये हो, ठीक है। और अब जो है हर एक एडल्ट के पास बैंक अकाउंट हो, ये फोकस हो गया। साथ ही साथ फ्री एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर जो प्रोवाइड करी जाती है रुपए कार्ड के ऊपर, वो आपका 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया है फॉर द अकाउंट विच हैज बीन ओपनड आफ्टर 28 अगस्त 2018। उसके बाद ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, व्हेन वी से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यानी कि आपके पास बैंक में पैसे नहीं है लेकिन आप विद्रॉ कर पा रहे हो, तो ये है आपका ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। तो ये लिमिट डबल करी गई फ्रॉम 5,000 से 10,000, ठीक है। तो अब आप 10,000 तक का ओवरड्राफ्ट कर सकते हो अब अगर आपके पास जनधन खाता है तो। एंड इंक्रीज इन द अपर एज लिमिट फॉर ओवरड्राफ्ट 60 से 65 ईयर्स कर दिया गया। क्या अचीवमेंट है अभी तक, ये कुछ फैक्ट आपको मेंस के लिए काम आएंगे। टोटल पीएमजेडीवाई अकाउंट की बात करें तो अब बढ़कर 43.04 करोड़ हो गए। रूरल एंड सेमी अर्बन का डिस्ट्रीब्यूशन देखे तो 66.69%, और आपका वोमेन देख सकते हैं वोमेन शेयर है जनधन अकाउंट में तो 55.47% है। और ये आपका 85.6% पीएमजेडीवाई अकाउंट ऑपरेटिव, ऐसा नहीं है कि खोला दिए गए हैं सर्विसेज अवेल करने के लिए, फैसिलिटीज अवेल करने के लिए, कि पैसे डिपॉजिट नहीं किए जाते, है ना। तो आप देख सकते हो 100 में से 85.6 जो अकाउंट है वो ऑपरेटिव है, और ये इंडिकेट करता है कि मोर ऑफ दीज अकाउंट्स ये यूज करी जा रही है कस्टमर्स के द्वारा, वो भी रेगुलर बेसिस पे। एंड डिपॉजिट्स को बढ़ा दिया गया है, मतलब डिपॉजिट्स बढ़ी है, बढ़ा क्या दिया गया है, डिपॉजिट्स बढ़ी है अबाउट 6.3 टाइम्स हो गई है विद इंक्रीज इन अकाउंट, अगर हम बात करें तो 2.4 टाइम्स। और ये कंपेरिजन बेसिकली आपका देख सकते हो। और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जिसके माध्यम से वेरियस सर्विसेज जो गवर्नमेंट चलाती है, वेरियस जो स्कीम चलाती है, उसके तहत जो पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं उसे कहते हैं हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, है ना। तो जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है वाया द पीएमजेडीवाई अकाउंट, इसने ये इंश्योर किया कि एवरी रुपीज, एक एक रुपीज जो दिए जाते हैं बेनिफिशियरीज को बाय द गवर्नमेंट, वो उसी बेनिफिशियरीज के हाथ में पहुंचे सर बायपासिंग द इंटरमीडियरीज, है ना। अदरवाइज पहले क्या होता था, इंटरमीडियरीज जो है बीच में पैसे घपला कर लेते थे, है ना। तो लीकेज को प्रिवेंट करने में काफी बेहतर मदद इसने किया है। बात करते हैं बेसिक प्रिंसिपल की, तो पहली बात तो ये कि बैंकिंग द अनबैंक, जो अनबैंक रीजन है वहां बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करी जाए, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट खोलाया जाए, मिनिमम पेपर वर्क हो, ई केवाईसी हो, जीरो बैलेंस एंड जीरो चार्जेस पर भी खाता खुल जाए। सिक्योरिंग द अनसिक्योर्ड यानी कि इसमें आपका इंडिजीनियस डेबिट कार्ड दैट इज योर रुपे कार्ड इश्यू करी जाए विद फ्री एक्सीडेंट इंश्योरेंस। एंड फंडिंग द अनफंडेड एज वेल, जैसे माइक्रो इंश्योरेंस, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज, माइक्रो पेंशन, माइक्रो क्रेडिट जैसे सर्विसेज प्रोवाइड करी जा सकती है। 6 पिलर जो पीएमजेडीवाई के हैं, पहली बात तो यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी टू द बैंकिंग सर्विसेज, दूसरा बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट विद ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देख सकते हो 10,000 रुपीज टू एवरी हाउस होल्ड, फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम भी, क्रिएशन ऑफ क्रेडिट गारंटी फंड, माइक्रो इंश्योरेंस, पेंशन स्कीम फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो ये हमने डिस्कस किया, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। 34 स्टेट्स यूटीज नाउ इंप्लीमेंटिंग द वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। तो बेसिकली आपको वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के बारे में जानना होगा, और ये लेटेस्ट न्यूज ये है कि जो आपका वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम है ये अब ऑपरेशनल हो गई है, कहाँ, दिल्ली एज वेल एज वेस्ट बंगाल में। और अब आपका टोटल 34 स्टेट्स एंड यूटीज कवर अप हो गए हैं एज ऑफ डेट, एंड अप्रोक्स 75 करोड़ बेनिफिशियरीज इसके अंतर्गत आपके आते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटीज एक्ट के तहत, ठीक है। तो बेसिकली ये जो डेवलपमेंट है ये सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद आता है। जून 2021 में ये वर्डिक्ट दी गई थी जिसमें डायरेक्ट करी गई थी सारे स्टेट्स एंड यूटीज को कि भाई साहब आप लोग वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम लागू करो बाय जुलाई 31st। दैट्स वाई ये अपनी तेजी से काम हुई है। और जो दो बचे हुए स्टेट थे जैसे आपके असम हो गए, छत्तीसगढ़ हो गए, इनको इंटीग्रेट किया जाएगा अंडर द वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम इन द नेक्स्ट कमिंग फ्यू मंथ्स। तो अगर हम बात करें बेसिक की वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम की, तो पहली बात तो ये कि ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है,
फॉर ऑल बेनिफिशियरी जो आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंतर्गत कवर होते हैं। और इसमें आपका क्या होता है, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, जैसे आप वन नेशन वन मार्केट देखते हो है ना, वन नेशन वन टैक्स देखते हो, उसी प्रकार से वन नेशन वन राशन कार्ड की, इस राशन कार्ड के माध्यम से आप देश के किसी भी हिस्से में जाओ, आपको जो बेनिफिट्स अपने स्टेट में मिलती है अंडर द पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज, वो बेनिफिट आपको दूसरे राज्य में भी मिल जाए अगर आप रजिस्टर्ड बेनिफिशियरीज हो और आप दूसरे स्टेट में रह रहे हो बिकॉज ऑफ योर वर्क, बिकॉज ऑफ योर सर्टेन अदर इश्यूज, तो वहां पर आपको जो अनाज मिलने हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो वन नेशन वन राशन कार्ड इनेबल्स द पोर्टेबिलिटी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि आपको पोर्टेबिलिटी इनेबल करता है एग्जिस्टिंग राशन कार्ड होल्डर्स को, कि जो भी आप सब्सिडाइज फूड ग्रेन रिसीव करते हो इन पोर्शन और फुल अमाउंट, वो आप उठा सकते हो फ्रॉम एनी इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस इनेबल्ड FRP से, यानी कि फूड प्राइस शॉप से इन द कंट्री। लेकिन ऑथेंटिकेट करने के लिए आपको बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी होगा जब भी आपको फूड ग्रेन उठाने हैं वाया दिस पोर्टेबिलिटी मेथड। फर्दर फैमिली मेंबर्स जो आपके घर में होंगे, यानी कि एक तो आप काम कर रहे होगे दूसरे राज्य में, तो वहां पर आप वन नेशन वन कार्ड स्कीम के तहत अनाज उठाओगे। दूसरी बात तो ये भी होगी ना, आपके फैमिली मेंबर्स आपके होम स्टेट में होंगे, तो उनको अगर उठाना होगा तो कैसे उठाएंगे, तो जो बैलेंस बचे हुए होंगे, लेट से कि आप या फिर लेट से कोई व्यक्ति है जो वर्क करने के लिए दिल्ली गया और अल्टीमेटली उसको जो अनाज मिलने हैं अंडर दिस पीडीएस सिस्टम, उन्होंने वन राशन कार्ड वाले स्कीम से अनाज उठाए 2 केजी। ठीक है, अब जो बचे हुए लेट से कि 5 केजी मिलता है और अल्टीमेटली 2 केजी इन्होंने उठा लिया, तो जो 3 केजी है वो आपका फैमिली मेंबर्स उठा सकते हैं फ्रॉम देयर होम, है ना, फ्रॉम द सेम राशन कार्ड। एंड सिंस इट्स इंसेप्शन स्टेट विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ इनवर्ड ट्रांजेक्शन, तो कौन कौन से स्टेट है जहां पर इनवर्ड ट्रांजेक्शन यानी कि विद इन द स्टेट होते रहते हैं, तो दिल्ली हरियाणा महाराष्ट्र गुजरात। आउटवर्ड ट्रांजेक्शन में जो नेशन आ जाते हैं आपके उत्तर प्रदेश बिहार महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। अब आप देख सकते हो गेन फ्रॉम द राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी अंडर ONORC, क्या फायदा होगा। पहली बात तो कंटिन्यूस एंड डायनेमिक, यानी कि जो आपका ओवरऑल कवरेज होगा बेसिकली रीअलाइनमेंट ऑफ बेनिफिशरीज टू देयर कंफर्ट जोन, जहां आपको उठाना हो फूड ग्रेन्स वहां से उठा सकते हो, तो जो भी आपका कंफर्ट जोन है वहां से आप एसेस कर सकते हो, बेटर चॉइस ऑफ फूड, फेयर प्राइस शॉप एंड हेल्पफुल फैसिलिटी भी प्रोवाइड करी जाएंगी इंश्योरिंग द फूड सिक्योरिटी ड्यूरिंग द नेशनल कैलामिटी नेचुरल कैलामिटी, जैसे अभी COVID-19 आ गया था, COVID-19 के कारण मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो गई थी, तो ऐसे में जो फंस गए थे वर्कर्स वो कैसे एसेस करे भाई साहब फूड ग्रेन्स को, तो अगर ये वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम रहता तो ये मदद करता एट द टाइम ऑफ डिजास्टर। अवेयरनेस एंड कॉन्फिडेंस फॉर फूड सिक्योरिटी ड्राइविंग लेबर माइग्रेशन टू द इकोनॉमिक हब्स, इंक्रीज यूजेस ड्यूरिंग द COVID-19 क्राइसिस एंड रिकंसिलेशन एंड एडजस्टमेंट बिटवीन द स्टेट, जिसमें आपका इंक्रीज फुल यूटिलाइजेशन ऑफ एलोकेटेड फूड ग्रेन्स होंगी। ठीक है, और देख सकते हो फूड सिक्योरिटी इज नाउ पोर्टेबल, तो आप देख लो ये आपका कुछ डाटा है एंड इससे आप देख सकते हो कितना लीकेज सेव हुआ है, ये बताया जा रहा है 30,000 करोड़ फूड सब्सिडी पर एनम कहा जाता है कि लीकेज बचाए जा सकते हैं। ठीक है, और अप्रोक्स 15 करोड़ बोगस बेनिफिशरीज को डिलीट किया गया है, आप समझ सकते हो कितना बेनिफिट हो रहा है, अलोंग विद 3.9 करोड़ बोगस राशन कार्ड्स वेडेड आउट। ठीक है, सिंस 2014, तो ये हमने कुछ बेनिफिट्स देखे, कुछ अचीवमेंट देखे, इन सब ने मिलकर लगभग 37,000 करोड़ रुपीज सेफ गार्ड किए। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, रेट्रो टैक्स, यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स। गवर्नमेंट ने इश्यू किया है ड्राफ्ट रूल्स को फॉर लिटिगेशन सेटलमेंट। रेट्रो टैक्स यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का मतलब ही यही है कि बिफोर द एक्चुअल डेट से इम्प्लीमेंट किया जाए अगर टैक्सेशन रिलेटेड आपके जो नियम कानून है ना, रेट्रोस्पेक्टिव मतलब क्या, फ्रॉम प्रीवियस डेट। ठीक है, और देख सकते हो ये जो ड्राफ्ट रूल्स है इसको लाया गया है अंडर द टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2021 के तहत, फिलहाल ये आपका ड्राफ्ट स्टेज में है ना, तो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। और ये जो आपका एक्ट है ये प्रपोज करता है अमेंडमेंट्स टू द रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन मेजर्स जो इंट्रोड्यूस करी गई थी फाइनेंशियल एक्ट 2012 में। तो ये जो आपका 2012 अमेंडमेंट है इनकम टैक्स एक्ट में, इसमें बेसिकली जो इंडियन बिजनेसेस हैं विच इज हेल्ड अंडर द एंटिटीज इनकॉर्पोरेटेड अब्रॉड, और वो चेंज करते हैं अपने हैंड्स को विदाउट इन्वॉल्विंग कैपिटल गेंस टैक्स लाइबिलिटी, यानी कि जब भी ये कोई भी इंडियन बिजनेसेस है और वो बेसिकली अपने शेयर बेचते हैं और जैसे ही शेयर बेचेंगे जाहिर सी बात है कैपिटल गेंस टैक्स होगा, है ना, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता होगा, लेकिन ये सब कंपनी जनरली इसे स्किप करते थे। ठीक है, इसीलिए इसमें आपका कंसेप्ट लाया गया था रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लाइबिलिटी का। ठीक है, और देख सकते हो ये जो एक्ट है ये इज टू बी एप्लीकेबल ऑन द पास्ट ट्रांजेक्शन,
और ये जो आपका टैक्सेशन एक्ट है 2021, ये बेसिकली टैक्स सर्टेनिटी लेकर आएगी एज वेल एज इंश्योर दैट वंस स्पेसिफाइड कंडीशंस जब फुलफिल हो जाए तो जो पेंडिंग इनकम टैक्स प्रोसीडिंग है वो विद्रो कर ली जाएंगे, डिमांड इफ एनी रेज शैल बी नोटिफाइड एंड अमाउंट इफ एनी कलेक्टेड वो रिफंड भी कर दी जाएंगी टू द टैक्स पेयर विदाउट एनी इंटरेस्ट। तो कहने का मतलब क्या है कि बेसिकली ये टैक्स सर्टेनिटी लाना चाह रहे हैं, ठीक है। एंड ये जो न्यू रूल्स है ये बेसिकली इनकम टैक्स रूल 1962 को अमेंड करता है टू गिव इफेक्ट टू द अमेंडमेंट मेड बाय द 2021 एक्ट। एंड जो ड्राफ्ट रूल है इसमें आपका एक मैकेनिज्म प्रपोज किया गया है कि कैसे विदड्रॉ कर सकते हैं केसेस को इंडेमनिटी फ्रॉम एनी फ्यूचर लिटिगेशन, कि भविष्य में लिटिगेशन मामला अटके पटके नहीं है ना, तो उसके लिए एक मैकेनिज्म है रिंग फेंसिंग इंडियन एसेट्स अब्रॉड एंड टाइमलाइन भी है फॉर फेज्ड सेटलमेंट ऑफ द मैटर, है ना, कि किस पीरियड में आपका कितने दिन में सेटलमेंट होगा अगर कोई इश्यू आ रही है। तो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन प्रीलिम्स के लिए आपको रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन के बारे में जानना ही होगा, है ना। ये सब तो अभी ड्राफ्ट स्टेज में है तो कोई उतना सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन ये आपका जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन है उसके बारे में जानना होगा। और ये टैक्सेशन एक्ट में बेसिकली जो टैक्स सर्टेनिटी लाने की बात कही गई है इसमें आपके दो तीन बातें हैं जिसमें आपका पेंडिंग इनकम टैक्स प्रोसीडिंग उसको विद्रो कर लिए जाएंगे अगर आपका स्पेसिफाइड कंडीशन फुलफिल होता है, और अगर आपका अमाउंट लेट से कि कलेक्ट हुआ है टैक्स पेयर के साथ तो उसे रिफंड कर दिया जाएगा अगर इश्यूज सॉल्व हो गई है तो, ठीक है। एंड रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन की बात हमने कहा, किसी देश को अलाउ करता है, किसी देश के गवर्नमेंट को अलाउ करता है कि वो रूल ऑन टैक्सेशन ऑन सर्टेन प्रोडक्ट्स अलाउ कर सकते हैं, या फिर वो आइटम्स या सर्विसेज या डील्स कुछ भी हो, जैसे आपका कैपिटल गेन्स टैक्स ही हुआ है ना, और कंपनी के ऊपर टैक्सेशन लगा सकते हैं फ्रॉम ए टाइम बिहाइंड द डेट ऑन विच एक्ट इज पास्ड या लॉ इज पास्ड। लेट्स से कि लॉ आज पास हुआ टैक्सेशन रिलेटेड, लेकिन इस लॉज में लिख दिया जाएगा कि ये रूल जो है 5 साल पहले से अप्लाई होगा, तो इसका मतलब 5 साल पहले से रिलेटेड जो भी कंपनियां जो होगी उनको टैक्स देना पड़ेगा सर्टेन प्रोडक्ट्स के ऊपर। ये है आपका रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन, ठीक है। तो ये आपका ड्राफ्ट रूल्स प्रपोज में क्या क्या हो रहा है, कंपनीज एंड इंटरेस्टेड पार्टीज मस्ट इरेवोकेबली विदड्रॉ ऑल लिटिगेशन, साथ ही साथ प्रोवाइड अंडरटेकिंग दैट वोंट परस्यू इन फ्यूचर, एंड पार्टीज टू विदड्रॉ ऑल लिटिगेशन विद इन 60 डेज ऑफ और गिविंग अंडरटेकिंग। तो ये सब कुछ प्रोविजन है, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया रेट्रो टैक्स के बारे में, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के बारे में। बाकी ये ड्राफ्ट स्टेज में है तो फिर जब ये एक्ट बनेंगे तब भी प्रोविजन डिस्कस किए जाएंगे। सो लेट्स मूव टू द शॉर्टर न्यूज, भारत सीरीज बीएच सीरीज। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज ने नोटिफाई किया है भारत सीरीज यानी कि बीएच सीरीज ऑफ रजिस्ट्रेशन, सो दैट फ्री मूवमेंट हो सके पर्सनल व्हीकल्स का अक्रॉस द स्टेट या फिर यूटीज अपॉन रीलोकेशन टू अ न्यू स्टेट या यूटीज, ठीक है। यानी कि लेट्स से कि कोई इंडिविजुअल है अल्टीमेटली एक स्टेट में रह रहा है, अब वो दूसरे स्टेट में शिफ्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ जॉब या कुछ अदर फैक्टर्स। अब अल्टीमेटली क्या होता होगा आपका कि दूसरे स्टेट में जाएंगे तो सीमलेस मूवमेंट नहीं हो सकेंगी पर्सनल व्हीकल्स का, चार्ज देने पड़ते हैं, नंबर प्लेट ये सब इश्यूज आ जाती है। तो डेफिनेटली ये आपका भारत सीरीज लाया गया है ना, जिसमें आपका रीलोकेशन अगर होता है कोई न्यू स्टेट में तो आराम से आपका फैसिलिटेट किया जा सके फ्री मूवमेंट ऑफ पर्सनल व्हीकल्स को, ठीक है। और आप देख सकते हो अंडर सेक्शन 47 और मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 कोई पर्सन अलाउड है कि वो व्हीकल रख सकता है फॉर नॉट मोर देन 12 मंथ्स इन एनी स्टेट अदर देन द स्टेट विच द व्हीकल इज रजिस्टर्ड। कहने का मतलब यह है कि लेट्स से कि स्टेट ऑफ यूपी में आपका व्हीकल रजिस्टर करवाया गया, आपने जो व्हीकल खरीदा और यूपी में आपने रजिस्टर करवाया। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप यूपी से लेकर चले गए लेट्स से हरियाणा, ठीक है, तो आप हरियाणा में अपने व्हीकल्स को मोर देन 12 मंथ्स के लिए नहीं रख सकते, यानी कि 12 मंथ से ज्यादा आप नहीं रख सकते दूसरे स्टेट में, ठीक है। ये आपका सेक्शन 47 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988 कहता है, याद रखना, प्रीलिम्स में पूछ लिया जाएगा ऐसे क्वेश्चन, कंफ्यूज हो जाओगे, लगेगा कि भाई साहब क्यों नहीं रख सकते, है ना, देश तो एकता अखंडता वाली है तो फिर क्यों नहीं रख सकते, है ना, फेडरलिज्म है तो क्यों नहीं रख सकते। लेकिन यहाँ पर आपका ये प्रोविजन साफ साफ दिया गया है सेक्शन 47 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट 1988, ठीक है, जिसमें आपका व्हीकल्स फॉर नॉट मोर देन 12 मंथ्स, ठीक है, ये याद रख सकते हो। भारत सीरीज की बात करें तो ये अवेलेबल होगी ऑन ए वॉलंटरी बेसिस टू द डिफेंस पर्सनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड प्राइवेट सेक्टर कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन विच हैव देयर ऑफिसेस इन 4 और मोर स्टेट्स या यूटीज, ठीक है। तो इसलिए आपका भारत सीरीज लाया गया सीमलेस मूवमेंट, है ना। नेक्स्ट इज ट्राई फूड, ट्राई फेड नहीं है, ट्राई फूड है, ट्राइबल फूड पार्क। और इंडिया का फर्स्ट ट्राइबल फूड पार्क ओपन किया गया है कहाँ पर, जगदलपुर। जगदलपुर कहाँ है, बस्तर डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़। और ये 22 इयर्स आफ्टर इट वाज प्लान, तो भाई साहब 22 साल पहले प्लान करी गई थी, अब जाके ये आपका
ट्राइबल फूड पार्क ओपन किया गया है। तो क्या ये आपका ट्राइब फूड स्कीम, तो ये आपका ज्वाइंट इनिशिएटिव है किसके किसके बीच, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री प्लस मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स प्लस ट्राइब, तो ये तीनों ट्राइबल अफेयर्स से रिलेटेड मैटर में ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री जरूर होती है, ट्राइफेड भी आपको देखने को मिलेगा, और अगर फूड रिलेटेड मैटर है तो यहाँ पर आपका फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी आ गया है। ठीक है, तो आपका ज्वाइंट इनिशिएटिव है आपका फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड ट्राइफेड का। और एम क्या है, तो बेसिकली माइनर फूड प्रोड्यूस जो प्रोड्यूस कलेक्ट किए जाते हैं ट्राइबल्स के द्वारा उनमें वैल्यू एडिशन किया जाए सो दैट बेटर प्रोडक्ट्स क्रिएट किया जाए विद कमर्शियल वैल्यू एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी लोकल्स की जनरेट हो सके। नेक्स्ट इज योर वेब वर्जन ऑफ ई गोपाल ऐप एंड आई मैप वेब पोर्टल, तो देख सकते हो ये जो दोनों दैट इज ई गोपाल ऐप एंड आई मैप वेब पोर्टल है, इसको डेवलप किया गया है नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा, और नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड जो है वो किसके लिए, तो जो डेयरी फार्मर्स की मदद करने के लिए। एनडीडीबी की बात करें तो ये 1965 में बना था टू ट्रांसफॉर्म द डेयरी इनटू एन इंस्ट्रूमेंट सो दैट जो इंडिया की रूरल पीपल है उसको डेवलपमेंट कर सके, क्योंकि इंडिया के रूरल पॉपुलेशन में डेयरी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है उनके लाइवलीहुड अर्निंग का, इसलिए ये सब मिशन लिए जाते हैं। और एनडीडीबी आपका स्टेटूटरी बॉडी है एनडीडीबी एक्ट के तहत, ठीक है। और ई गोपाल ऐप की अगर हम बात करें तो कॉम्प्रिहेंसिव ब्रीड इंप्रूवमेंट मार्केट प्लेस होगा एज वेल एज इन्फॉर्मेशन पोर्टल होगा फॉर द डायरेक्ट यूज ऑफ फार्मर्स। और ई गोपाल डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करें तो इसमें फार्मर्स अपने लाइव स्टॉक को मैनेज कर सकते हैं, जैसे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ डिजीज फ्री जर्म प्लांट इन ऑल फॉर्म। एंड आई मैप वेब पोर्टल की बात करें तो रियल टाइम इन्फॉर्मेशन देगा टू डेयरी फार्मर्स फॉर बेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ डेयरी फार्मर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज योर यूज ऑफ लीडर पेट्रोल, ये ग्लोबल लेवल पर अब इंड हो चुकी है, तो ये इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं अल्जीरिया लास्ट कंट्री है जो लीडर पेट्रोल यूज करता था। इससे पहले यूएनईपी ने ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर क्लीन फ्यूल्स एंड व्हीकल्स लॉन्च किया था सो दैट इसके यूज यानी कि लीडर पेट्रोल के यूज को इंड किया जा सके इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में, और ये प्रोग्राम आपका 2002 में ही लॉन्च हुआ था। एंड मोस्ट डेवलप्ड नेशन ने फेज आउट कर लिया था इसे 1980s में, लेकिन इंडिया ने कब फेज आउट किया 2000 में। एंड इंडिंग द यूज ऑफ लीडर पेट्रोल ये क्या करेगा, तो देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट डाटा है, 1 मिलियन प्रीमेच्योर डेथ को सेफ गार्ड कर सकेगा, ईच ईयर होते रहते थे फ्रॉम हार्ट डिजीज स्ट्रोक्स कैंसर, तो ये सब आपके लीडेड पेट्रोल के कारण हो जाते थे आपके ये सब जो डिजीज हैं, तो देख सकते हो इट विल प्रिवेंट 1 मिलियन प्रीमेच्योर डेथ ईच ईयर फ्रॉम हार्ट डिजीज स्ट्रोक एंड कैंसर, बिकॉज ये सब जो पॉल्यूशन हम इंटर करते थे ये सब बीमारियां फैलाती है क्योंकि ये सब केमिकल्स है, ठीक है। एंड इट विल प्रोटेक्ट चिल्ड्रन हुज आईक्यूज आर डैमेज्ड बाय एक्सपोजर टू द लीड, है ना, लीडर पेट्रोल नाम से पता चल रहा है ना, पेट्रोल में लीड का कंटेंट। नेक्स्ट इज योर गगनयान सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्सन सिस्टम सिस्टम डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल, गगनयान के बारे में बेसिकली न्यूज आ गया है। तो हाल ही में इसरो सक्सेसफुली अपने फर्स्ट हॉट टेस्ट ऑफ द सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्सन सिस्टम को कंडक्ट कर लिया है एट द इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स महेंद्र ग्रीन जो कि आपका तमिलनाडु में, ठीक है। और ये जो सर्विस मॉड्यूल है ये आपका गगनयान ऑर्बिटल मॉड्यूल का पार्ट है, और ये लोकेटेड रहेंगे बिलो द क्रू मॉड्यूल एंड ये कनेक्टेड तब तक रहेंगे जब तक री एंट्री ना हो जाए। गगनयान प्रोग्राम के बेसिक के बारे में जानना है, इसमें बेसिकली इंडिजीनियस कैपेबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट करना है, भारत की इंडिजीनियस कैपेबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट करना है टू अंडरटेक द ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन टू द लो अर्थ ऑर्बिट, याद रखना है लो अर्थ ऑर्बिट। एंड एज ए पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम दो अनमैंड मिशन एंड एक मैंड मिशन अप्रूव करी गई है गवर्नमेंट के द्वारा, याद रखना है एज ए पार्ट ऑफ गगनयान प्रोग्राम टू अनमैंड मिशन ये ट्रायल के लिए होंगी बेसिकली, उसके बाद आपका वन मैन मिशन प्रोग्राम करी गई है बाय द गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज योर सुखेत मॉडल, तो प्राइम मिनिस्टर ने सुखेत मॉडल को प्रेज किया है विच वाज अडॉप्टेड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी विच इज इन मधुबनी टू चेक पॉल्यूशन इन विलेजेस, ठीक है। तो ये जो सुखेत मॉडल है बेसिकली ये आपका पॉल्यूशन असेसमेंट टूल है जो पॉल्यूशन को चेक करती है, और देख सकते हो आप अंडर दिस प्रोजेक्ट जो गार्बेज है डंग है फ्रॉम द हाउसेस जो कलेक्ट होती है उसको डोर टू डोर कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद वो कन्वर्ट कर दी जाती है बर्मी कंपोस्ट में, ठीक है। तो सुखेत मॉडल में क्या हो रहा है आपका गार्बेज डंग फ्रॉम द हाउसेज दैट आर कलेक्टेड डू टू डू उसको कन्वर्ट करी जाती है वर्मी कंपोस्ट में, और जो इनकम जनरेट होती है फ्रॉम द सेल ऑफ कंपोस्ट फार्मर्स को एलपीजी सिलेंडर्स प्रोवाइड कर दी जाती है, तो इससे इनडायरेक्टली आपका पॉल्यूशन कंट्रोल हो रहा है ना। और ये जो आपका मॉडल है इसमें फोर फोल्ड बेनिफिट है, पहली बात तो पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, मॉनिटरी असिस्टेंस भी मिल जाएगा विलेजेस को फॉर द गैस सिलेंडर्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स टू द फार्मर्स एट देयर हैंड। नेक्स्ट इज योर प्लेसेस इन न्यूज यमन, तो देख सकते हैं जो हाउती रिबेल्स हैं इन्होंने यमन के लार्जेस्ट एयरबेस दैट इज अल आनंद एयरबेस को अटैक किया है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं हाउती रिबेल्स और यहाँ पे आपका अमन यमन, ठीक है, ठीक है, सऊदी अरेबिया को बॉर्डर करता है, ओमान को बॉर्डर करता है ना, कैपिटल देख लो सना। तो हाउती रिबेल्स ने अटैक किया है यमन के लार्जेस्ट एयरबेस को, और यमन की बात करें तो कैपिटल
सना, और ये डेजर्ट कंट्री है, सदर्न टिप ऑफ अरेबियन पेनिनसुला है ना, अरेबियन पेनिनसुला ये टोटल है, इसमें आपका सदर्न टिप है यमन, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो आप देख रहे हो यमन और जबूती के बीच आपका बैब अल मंडेब, हमने मैप सीरीज में भी कवर किया था, ठीक है, जो कनेक्ट करता है रेड सी को गल्फ ऑफ एडेन से, ठीक है। और इसके नॉर्थ में देख लो आप, यानी कि स्ट्रेट ऑफ बैब अल मंडेब, इसके नॉर्थ में यमन है और इसके साउथ में आपका जबूती है, ठीक है। तो विथ रेड सी एंड बैब अल मंडेब ऑन द वेस्ट एंड लैंड बॉर्डर्स विद सऊदी अरेबिया एंड ओमान। और 2015 से ही जो नेशन है यानी कि यमन, वहां सिविल वॉर हो रहा है विद द फाइट बिटवीन सऊदी बैक्ड गवर्नमेंट, तो एक तरफ सऊदी बैक्ड गवर्नमेंट कह लो और दूसरा ईरान बैक्ड हाउदी रिबल्स कह लो, है ना। दैट्स व्हाई फाइट चलते रह रहे हैं, जिसमें आपका यूएई बैक्ड एंटी हाउदी फोर्सेस भी हैं, सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल। और यमन की बात करें तो इट इज द होम टू ओल्ड वर्ल्ड सिटी ऑफ शिवम, जो कि आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और इसको मैनहट्टन ऑफ द डेजर्ट भी कहते हैं बिकॉज ऑफ इट्स अर्बन प्लानिंग। तो याद रखना, यमन में आपको क्या मिलता है, ओल्ड वॉल सिटी ऑफ शिवन, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और इसको मैनहट्टन ऑफ द डेजर्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट इज मथुरा, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कंप्लीट बैन लगा दिया है ऑन द सेल ऑफ मीट एंड अल्कोहल इन मथुरा। तो आप देख सकते हो कंप्लीट बैन ऑन सेल ऑफ मीट एंड अल्कोहल इन मथुरा। और मथुरा जिसको ब्रज भूमि भी कहते हैं, ये आपका रिवर यमुना के किनारे मौजूद है, एंड कुशाना डायनेस्टी के अंतर्गत आर्ट एंड कल्चर जो इस सिटी का है वो न्यू पीक पर पहुंची थी। और जैसे आपने सुना भी होगा, हमने डिस्कस भी किया, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है ना, और यहाँ पर आपको फ्री स्टैंडिंग स्कल्पचर्स ऑफ बुद्धा विच वाज मेड फ्रॉम रेड सैंडस्टोन। तो मथुरा में आपका जो स्कल्पचर बनाए जाते थे जनरली रेड सैंडस्टोन के बनाए जाते थे, ठीक है। और कुशाना डायनेस्टी ने कहीं ना कहीं पेट्रोनाइज भी किया था आर्ट को। और मथुरा इज ऑल्सो पार्ट ऑफ हृदय स्कीम, प्रसाद स्कीम और कृष्णा सर्किट अंडर द स्वदेश दर्शन फ्रॉम द टूरिज्म मिनिस्ट्री। तो ये हमने डिस्कस किया ऑल द सीरीज जो बच्चे हैं। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।